इस वीडियो का उद्देश्य लोगों को जानकारी देना है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी नहीं है। अगर किसी को इस वीडियो से दुख पहुंचता है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा। दर्शकों से उम्मीद की जाती है कि वीडियो देखते वक्त वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। खुल गया बागेश्वर धाम का असली सच। बागेश्वर धाम की पोल खोल। पुलिस ने खोला बाबा के पर्चे का राज। बागेश्वर धाम वाले हैंडसम बाबा का सच। बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सच क्या है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फर्जी बाबा है? क्या बागेश्वर धाम के नाम पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अंधविश्वास और आडंबर को बढ़ावा दे रहा है? क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई जादू टोना करता है? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में होंगे। इन्हीं सवालों को भुनाने के लिए, इन सवालों से पैसे कमाने के लिए कई YouTube चैनल्स ऊपर हमने जो आपको कैप्शन दिखाए हैं उसके साथ वीडियो बना रहे हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है बल्कि वर्षों से हो रहा है। सोशल मीडिया पर, YouTube पर, मेनस्ट्रीम मीडिया में हर जगह कुछ लोग ऐसे हैं जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वायरस बता रहे हैं, उनके विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने कहे को किसी तर्क से डिफेंड करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ इस आधार पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विरोध करना ही आता है। जैसे एक वक्त में जब वामपंथी लॉबी मजबूत हुआ करती थी तो हर बात के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा देती थी। बेमौसम बारिश हुई तो मोदी जिम्मेदार, सूखा पड़ गया तो मोदी जिम्मेदार, ओले पड़ गए तो मोदी जिम्मेदार। कुछ ऐसी स्थिति धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोधियों की है। वो बस बागेश्वर धाम को पसंद नहीं करते इसलिए उसके विरुद्ध लिख रहे हैं। लेकिन हमारा इस पर क्या पक्ष है? क्या हम बागेश्वर धाम के समर्थन में हैं? क्या हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कथित पाखंड का समर्थन करते हैं? हमने यह वीडियो क्यों बनाई है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं चमन मिश्रा आज आपके सामने बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वास्तविक सच रखने जा रहा हूँ। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। उत्तर भारत में इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सितारे चमक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सड़कों पर निकल जाइए। इन जगहों के बाजारों में निकल जाइए। यहाँ के घरों में घूम आइए। कुछ मिले या न मिले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर चर्चा होते हुए अवश्य मिल जाएगी। आगरा के लोगों के दिमाग में तो मानो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कब्जा कर लिया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोई सिद्धि प्राप्त है या फिर यह सब दिमाग का खेल है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि बागेश्वर धाम क्या है और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है। बागेश्वरधाम.net के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित है। यह बालाजी हनुमान का मंदिर है जो कि चंदेल कालीन है। 1986 में गांव के लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके बाद ग्राम गड़ा के ही बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव गड़ा के प्राचीन मंदिर पहुंचे और यहां राम कथा करने लगे। इसके साथ ही वो यहां झाड़ फूंक भी करने लगे। यहीं से बागेश्वर धाम में कथित चमत्कार की शुरुआत हुई। इसी गांव में 4 जुलाई 1996 को पैदा हुए धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, जो कि बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तौर पर जाने गए, इनका पिता का नाम कृपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। इनके दादाजी भी एक सिद्ध संत थे जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। इनके दादाजी निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे और बालाजी हनुमान मंदिर के पास दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दादा को ही अपना गुरु बताया है। उन्होंने भी अपने दादा की तरह ही दिव्य दरबार लगाना शुरू कर दिया। देखते देखते इनके दरबार की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब मंदिर के पास भीड़ बढ़ने लगी तो इन्होंने शहर शहर जाकर दरबार लगाना शुरू कर दिया। हमने आपको बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में बता दिया। अब हमारे सामने सवाल है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या करते हैं? लोग कहते हैं कि वो एक चमत्कारी बाबा हैं, सिद्धि प्राप्त बाबा हैं, शक्ति प्राप्त बाबा हैं। लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इसे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह वीडियो देखिए। क्रोध बहुत आता लेकिन दो ही जाना है आओ तो तुम्हारी धर्म पत्नी बहुत खतरनाक है इतनी डेंजर है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना। बिल्कुल सही बात, कई बार तुम भोजन नहीं करते घर पर। सही बात है सर, इतनी गुस्सेल है। बिल्कुल गुरुदेव, लगने लगता है कहीं पीटने ना लगे। सही बात है, इसीलिए हमने तुम्हें वहीं जब तुम खड़े हुए थे तब क्या कहा था, आओ गुस्सा मैन। हमारा तर्क नहीं समझा होगा हमने क्यों कहा। समझ लिया सर। चलो, आप पत्नी प्रताड़ित हो? नहीं सर
ऐसा कुछ नहीं है सर। घर में हैरानी बनी, कलेश बना हुआ है, क्रोध पत्नी को बहुत आता है, दिमाग पर काबू नहीं कर पाती, बाद में बहुत पछताती है। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, आपने जो वीडियो देखा वो पहला तथाकथित चमत्कार है जो धीरेन कृष्ण शास्त्री करते हैं, यानी वो हजारों लोगों की भीड़ से किसी व्यक्ति को उसके नाम से अपने पास बुलाते हैं, उस व्यक्ति की जानकारी, उसे क्या समस्या है, कब से समस्या है, इस समस्या का हल क्या है, यह सब एक पेपर पर बिना उससे पूछे लिख देते हैं। जब वो अपनी समस्या बताता है तो वही निकलती है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पेपर पर लिखी थी। समस्या के हल के लिए वो उपाय भी बताते हैं, हवन करवाओ, कथा करवाओ, काला कपड़ा पहनो और भी इसी तरह की चीज़ें। क्या यह सब तार्किक है? क्या यह सब वैज्ञानिक है? क्या यह पाखंड नहीं है? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दूसरा क्या चमत्कार करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सर मैं भरा भरा मारो, एक तरफ और मारो, गला पकड़ो इसका, गला पकड़ो इसका। यह कथित दूसरा चमत्कार है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। अब आप पूछेंगे कि यह क्या हो रहा है। कथित तौर पर इस व्यक्ति के अंदर कोई जिन, भूत या आत्मा कुछ घुस गया था जो उस व्यक्ति को परेशान कर रहा था। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस व्यक्ति के अंदर से जिन्न को भगा रहे हैं। इस दौरान जिन्न या भूत जो भी है वो इस शास्त्री से बात करता है। तो यह है इनका कथित दूसरा चमत्कार। अब हमारे सामने एक सवाल यह है कि इन कथित चमत्कारों की सच्चाई क्या है, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि इसे सीधे सीधे खारिज कर देना सही नहीं होगा और इसे स्वीकार करना भी सही नहीं होगा। इसका समर्थन करना या फिर इन्हें स्वीकार करना इसलिए सही नहीं है क्योंकि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात होगी, इससे समाज में, लोगों में पाखंड को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ इसको हम खारिज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान संतों, ऋषियों, तपस्वियों की भूमि रही है। यहाँ कई संत सिद्धि प्राप्त हुए हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देवराहा बाबा के बारे में आपने अवश्य सुना होगा। जब हम देवराहा बाबा की बात कर रहे हैं तो हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम उनकी तुलना नहीं कर रहे, बस प्रसंगवश इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो देवराहा बाबा की शक्तियों की चर्चाएं अब भी होती हैं। लोग अभी भी कहते हैं कि देवराहा बाबा निर्जन वस्तुओं से बात करते थे, देवरा बाबा के हाथों में प्रसाद प्रकट हो जाता था। ऐसी तमाम बातें जनश्रुतियों में चलती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय जैसी कई महान विभूतियां देवराहा बाबा से प्रभावित थीं। कहते हैं कि देवराहा बाबा कभी भी जमीन पर नहीं रहे बल्कि जमीन से ऊपर मंच बनाकर रहा करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया में लंबे समय तक रहने के कारण ही इनका नाम देवराहा बाबा पड़ा था। इसी तरह की बातें और कहानियां नीम करौली बाबा को लेकर भी लोगों में प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि नीम करौली बाबा को भी शक्तियां प्राप्त थीं। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी हो, फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग की कहानी हो या फिर हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट की कहानी हो, इनकी कहानी में एक बात कॉमन है, ये तीनों नीम करौली बाबा के भक्त हैं और इन्होंने दावा किया है कि उन्हें नीम करौली बाबा से शक्ति मिलती है। हमने आपको यह दो उदाहरण दिए हैं, लेकिन ऐसे और भी कई संत महात्मा हमारे सनातनी देश में हुए हैं जिन्हें कभी कोई फ्रॉड साबित नहीं कर पाया। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर बागेश्वर सरकार फ्रॉड हैं या फिर उन्हें वास्तव में कोई सिद्धि प्राप्त है, इसका फैसला मैं हमारे विवेकशील दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप स्वयं तय कर लीजिए कि सच क्या है।